नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका एडिक्वेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पर। हमारे 4 दिन के बाली ट्रिप का आज तीसरा दिन है और आज हम बाली के 6 सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक उल्लुवाटू मंदिर चलेंगे। सुबह हमने जब वेदर फोरकास्ट चेक किया तो आज रेनी डे शो हो रहा था। सुबह का मौसम तो सुहाना है पर शायद दिन में बारिश हो सकती है। खैर, उल्लुवाटू मंदिर जाने के लिए हम आपको प्राइवेट व्हीकल रिकमेंड करेंगे क्योंकि ये टेंपल मेन सिटी से कम 25 किलोमीटर दूर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मंदिर आने के लिए नहीं मिलेगा। आप स्कूटी या कार एक दिन के लिए हायर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो प्री बुकिंग्स करना प्रेफरेबल रहेगा। आपको टेंपल में जाने के लिए पहले एंट्री टिकट खरीदना होगा। परंपरा है जिसके अंतर्गत आपके घुटने ढके होने चाहिए और इसके लिए वो आपको मंदिर के एंट्री गेट पे कपड़ा दे देंगे जिसे आपको बांध के अंदर जाना होगा। का कल्चर और ट्रेडिशन जानने के लिए आपको उल्लुवाटू टेंपल जाना जरूरी है। लोकल्स इस टेंपल को लुआपुरा उल्लुवाटू भी कहते हैं। ये टेंपल समुद्र से 70 मीटर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। बाली में अगर आपको ब्यूटीफुल सनसेट देखना है तो उल्लुवाटू टेंपल से और अच्छी जगह नहीं मिलेगी। उल्लुवाटू मंदिर बंदरों का घर है। ध्यान रहे कि आप अपना पर्स, मोबाइल, कैमरा और खाने पीने का सामान संभाल के रखें क्योंकि मौका मिलते ही बंदर सामान छीन लेते हैं, तो मॉन्की थेफ्ट से थोड़ा सावधान रहें। स्थानीय कहानियों के अनुसार उल्लुवाटू मंदिर ऋषि दांगयांग निरार्था से जुड़ा हुआ है, जिनका बालिनीज हिंदू कल्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माना जाता है कि अपनी बाली यात्रा के दौरान ऋषि दांगयांग निरार्था आए और यहाँ की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित हुए। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं और अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीचक फायर डांस देखे बिना आपका उल्लुवाटू मंदिर का सफर अधूरा है। ये डांस शाम को शुरू होता है और 1 से 1.5 घंटे चलता है। इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। इस डांस के द्वारा आपको भारत के लोकप्रिय ग्रंथों में से एक रामायण की कहानी बताई जाएगी। में लगभग 75 मेल और कुछ फीमेल आर्टिस्ट रामायण के 5 महत्वपूर्ण किस्सों को दिखाते हैं। अगर आपने रामायण पहले से पढ़ी है तो आपको कीचक डांस समझ में आएगा। क्या आपको पता है कि रामायण की कहानी 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारत से आए हुए व्यापारियों, नाविकों और पुजारियों ने इंडोनेशिया में फैलाया था? इस रामायण की कहानी को इंडोनेशिया के प्राचीन जैवनीज भाषा में लिखा गया है जिसका नाम पड़ा काकविन रामायण। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि काकविन रामायण भारत के कवि भाटी के द्वारा लिखी गई कविता भाटी काव्य है जो कि संस्कृत में लिखी गई है।
रामायण का एक और वर्जन बालिनीज रामा काव्य के नाम से पूरे इंडोनेशिया में प्रचलित है। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जोजकर्ता में आज भी रामायण का भव्य कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें भगवान राम और मां सीता के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने में चोल डायनेस्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने संस्कृत भाषा को साउथ ईस्ट एशिया के बहुत देशों में फैलाया था, इसमें इंडोनेशिया भी था। डांस के साथ ही हमारा तीसरे दिन का बाली ट्रिप यहीं खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।